दोस्तों, सच्चा प्यार बहुत ही किस्मत वाले लोगों को मिलता है। प्यार हम सभी को कभी न कभी हुआ ही होता है, पर सच्चा प्यार शायद ही किसी को हुआ होगा, और हुआ भी होगा तो उन्हें शायद इस बात का पता भी नहीं चला होगा कि क्या उनका प्यार सच्चा था या नहीं। क्योंकि सच्चा प्यार की भी कुछ निशानियां होती हैं जिनके जरिए हम पहचान पाते हैं कि सच्चा प्यार है या नहीं। प्यार करना तो काफ़ी आसान होता है, पर उसे निभाना और भी मुश्किल होता है। प्यार हमें किसी भी उम्र में और कभी भी हो सकता है, पर क्या आप जो प्यार करते हैं वह सच्चा प्यार होता है? शायद इस बात का पता आपको भी नहीं होगा और उसे भी नहीं होगा जिससे आप प्यार करते हैं। क्योंकि प्यार सिर्फ चेहरा देखकर नहीं बल्कि मन को देखकर किया जाता है, पर आजकल के लोग सिर्फ सुंदर चेहरा देखते हैं और उस पर फिदा होकर कहते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं। पर आप उस लड़की से प्यार नहीं बल्कि उसके सुंदर चेहरे से प्यार करते हैं। सच्चे प्यार की सबसे प्यारी निशानी है भरोसा। मान लीजिए, यदि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और आपके पार्टनर को आप पर भरोसा है कि आप किसी आवश्यक कार्य से ही व्यक्ति से बात कर रही हैं, तो यह सच्चा प्यार है। क्योंकि वह आप पर भरोसा करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करते हैं और आपके दिल में उसके अलावा कोई और नहीं है। सच्चा प्यार वह नहीं होता है जो हम लोगों से छुपा कर करते हैं। सच्चा प्यार वह होता है जो बिना किसी के डर के किया जाए। मान लिया, आपके किसी रिश्तेदार ने आपके पार्टनर को डरा धमका दिया और आपका पार्टनर आपसे रिश्ता तोड़ दे, तो यह सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वह होता है जिसमें आपके पार्टनर को किसी का भी डर ना हो और आपका पार्टनर सबके सामने बिना डर से है कह सके कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार वह होता है जिसमें किसी भी बात को ना छुपाया जाए और हर एक बात को एक दूसरे से बताया जाए। यदि हम अपने पार्टनर से किसी भी बात को छुपा रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपका सच्चा प्यार नहीं है। आपका उसके प्रति सिर्फ अट्रैक्शन है। यदि आप उससे सच्चा प्यार करते हैं तो उससे आप कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। सच्चा प्यार वह होता है जिसमें दोनों प्यार करने वाले लोग को एक दूसरे पे भरोसा हो। यदि एक पार्टनर कहीं जाता है तो दूसरे को इस बात का शक ना हो कि वह किसी और से मिलने जा रही है। और यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहे कि आपका पार्टनर वहाँ किसी और के साथ था, तो उस पर आपका भरोसा रहे कि हो सकता है कि वह लड़का कोई मित्र हो। यह होता है सच्चा प्यार। यह होता है सच्चा प्यार। सच्चे प्यार में हमें कभी मजबूर नहीं होना पड़ता है। यदि आप किसी परेशानी में और आपका पार्टनर आपकी परेशानी देखते हुए भी अपनी जिद पर अड़ा है कि उसे यह चाहिए या फिर उसे यह काम करना है, तो यह सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार तो वो होता है जिसमें एक दूसरे की तकलीफ को समझा जाए और मिलकर उन परेशानियों से निजात पाया जाए। अगर आपका पार्टनर आपसे सेक्स जैसी बातों पर ही जोड़ डालता है तो वह सच्चा प्यार नहीं है। क्योंकि सच्चा प्यार शरीर देखकर नहीं बल्कि मन से किया जाता है। और जो व्यक्ति आपसे ऐसी बातें करता है वह आपसे कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। क्योंकि सच्चा प्यार में एक दूसरे को समझा जाता है। अगर आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं पर आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान न देकर किसी और से बातें कर रहा है या फिर किसी और कार्य में लगा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि यह कभी सच्चा प्यार नहीं हो सकता है। क्योंकि सच्चे प्यार में एक दूसरे की तकलीफ को समझा जाता है और हर एक बात को एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। अगर आपका पार्टनर आपसे कोई भी बात शेयर नहीं करता है, तो समझ जाइए कि यह सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वह होता है जिसमें हम एक दूसरे को समझते हैं और बिना कहे एक दूसरे के दिल की बातों को समझते हैं। यदि हम अपने पार्टनर को देखे बिना नहीं रह सकते हैं या फिर उससे बिना बात किए बिना हमारा दिन नहीं गुजरता है, तो यह एक सच्चा प्यार हो सकता है। यदि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और के साथ घूमता है,
किसी और के साथ बातें करता है और आप जब उसे कहते हैं कि तुम हमसे बात करो और वह कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खाली नहीं रहती हूँ, तो समझ जाइए कि सच्चा प्यार नहीं है। क्योंकि जो लड़की आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकती, वह आपसे प्यार क्या करेगी। यदि आपके पार्टनर से कोई बात आपको किसी और व्यक्ति से पता चलती है और जब आप अपने पार्टनर को यह बात बताएं कि क्या तुम्हारे साथ ये हुआ था, और वह कहे कि हाँ हुआ था और मैं बस तुमसे बताने ही वाली थी, या फिर आपका पार्टनर यह लाइन न भी कहे, तो समझ जाइए कि यह सच्चा प्यार नहीं है। क्योंकि सच्चे प्यार में हमारे साथ घटी हर एक घटना हम सबसे पहले अपने प्रिय व्यक्ति को बताते हैं। तो इस तरीके से आई होप ये सारी बातें आप लोगों को हेल्प करेंगी अपने प्यार को समझने में और इंसान को पहचानने में कि वह सही है या गलत। तो आप जो है अपने नज़रिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो है मेरा अनुभव है, किसी और का अनुभव है, तो आप अपना भी सोच समझ इस्तेमाल कर सकते हैं।